दुर्गाची शुरू में हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं डेड यूट्यूब चैनल्स पे। मैं इतने खुश होके क्यों बोल रहा हूँ, ये एक्चुअली बहुत सैड टॉपिक है। हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं डेड यूट्यूब चैनल्स पे। देखो अभी मैंने ना रिसेंटली बेस्ट बॉय शुभ का, मेरे को उसको बेस्ट बॉय शुभ बोलना पसंद है, बेस्ट बॉय शुभ तो उसका वीडियो देखा मैंने, जिसमें वो बोल रहा है कि कैसे उसका चैनल डेड हो चुका है, वो ये वो। तो मैंने सोचा कि दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। टाइटल में मैं ऐसा मेरा फोटो डालूंगा ऐसे वाला, उधर साइड में बीस बॉय शुभ का फोटो डालूंगा। व्यूज देखो, मैंने ना यहाँ पे नोटपैड पे एक लिस्ट बनाई है सब यूट्यूब के डेड चैनल्स की, और हम लोग उन चैनल्स पे हंसने वाले हैं आज। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला चैनल है मिथपैट। Yes, मेरे खुद का। एक बार खुद के चैनल पे हंस लूं, उसके बाद बाकी के चैनल पे हंस सकता हूँ। देखो मिथपैट इज अ यूट्यूबर जो 5 साल 6 साल हो गया, आई डोंट नो कितने साल, 5 साल हो गया आई थिंक मेरे चैनल को। एंड 5 साल पहले मैंने यूट्यूब की शुरुआत की थी। ये देखो, ये ओल्डेस्ट वीडियो है, 1.5 मिलियन व्यूज 5 साल पहले, खतरनाक। फिर मैंने ये सब वीडियोस डाले, मिमिक्री किया, 4.2 मिलियन व्यूज, वाह रे वाह। एंड उसके बाद एक जमाना आ गया, और उस जमाने में भाई तो मैं व्यूज छाप रहा था। यू नो लोगों के पास पैसे एंड नोट छापने का मशीन होता है, मेरे पास व्यूज छापने का मशीन था। ये देखो मेरा बम दिखा के मैंने 5.9 मिलियन व्यूज लिया है। कोई कर सकता है बम दिखा के 5.9 मिलियन व्यूज? ओनली टिकटॉकर्स कैन डू दैट। ये देखो 26, ये मेरा वन ऑफ द फर्स्ट वायरल वीडियोस था, 26 मिलियन व्यूज डायरेक्ट। ऐसा मतलब एक जमाना था जब मैं 1 मिलियन के नीचे जाता ही नहीं था, लेकिन फिर आई डोंट नो क्या हुआ, ऐसे ही आई थिंक 2-3-4 साल चलते गए। ये बिग बेन वाली जो सीरीज थी भाई, खतरनाक चली थी यार, 25 मिलियन 15 मिलियन। ग्रानी वाला तो वीडियो मैंने शायद वीडियो में बोला था, ये देखो वीडियो में बताता हूं। बीस बॉय शुभ ने ग्रानी खेली, 20 मिलियन व्यूज, 10 मिलियन व्यूज, 8 मिलियन व्यूज, 4 मिलियन व्यूज। जब मिथपैट ने ग्रानी खेली, 4 लाख व्यूज आता था मेरे को ग्रानी पे। एंड इस एपिसोड पे मेरे को 27 मिलियन व्यूज आया है, 27 मिलियन। अभी 4 लाख ही आएगा, अभी डाला तो हंस दे चेहरे का मतलब ही नहीं। बट माय पॉइंट इज, ये सब वीडियोस मैं डालता गया। फिर बीच में मैंने कुछ स्पेशल वीडियोस बनाए, जैसे कि मेरा पहला स्पेशल वीडियो आई थिंक था माइनक्राफ्ट इन रियल लाइफ। ये देखो ना 19 मिलियन व्यूज, 40 मिलियन व्यूज। हाँ यार, मेरा सबसे पॉपुलर वीडियो कितना मिलियन व्यूज है मैंने देखा नहीं है, 42 मिलियन व्यूज। लड़की बनना पड़ा मेरे को, आखिर व्यूज तो लड़कियों को ही आते हैं सबसे ज्यादा, हैंस प्रूव्ड। तो ये सब वीडियोस में बनाता गया, एंड उसके बाद अचानक मेरे जिंदगी में एक रुको, हिंदी का शब्द सोच रहा हूं मैं, हिंदी मेरी जिंदगी में एक दुर्घटना आई, मुझे ऑनेस्टली मालूम भी नहीं कि दुर्घटना क्या हुई है। मैं तो सेम ही टाइप के वीडियोस बनाने की कोशिश करता हूँ अभी थोड़ा सा ना व्यूज गायब हो गया, वो वेकेशन पे चला गया है, फिर भी अच्छा है दिखने में, मेरे को तो पसंद है जो भी है, आई एम हैप्पी। हंस दे चेहरे का मतलब ही नहीं होता। अभी व्यूज लाने के लिए मैंने डायरेक्ट ACP सर को लाया ना 6.2 मिलियन व्यूज। मैं बता रहा हूँ, मैं मरे हुए चैनल्स को जिंदा कर सकता हूँ शायद। अभी क्या हुआ मालूम है, मेरी शादी हो गई, और शादी के बाद मालूम है ना जिंदगी बदल जाती है। एंड और भी बहुत सारी चीजें हुई मेरी जिंदगी में पिछले 1-2 साल में, फिर भी मैं ये सब वीडियोस बनाया। आई एम एट थाराबाई जोगिंदर रोबोट, पॉपी प्ले टाइम तो भाई खतरनाक, 2 घंटा गेम खेला, एक्सपेक्टेड भी नहीं था 16 मिलियन व्यूज। ये वीडियो तो एकदम फ्लॉप हो गया था, 1.2 मिलियन व्यूज। तो क्या हुआ मालूम है, उसके बाद मैं एक दिन गेमिंग वीडियो डालता ही गया, फिर दूसरे दिन मैं सौरभ जोशी को प्रैंक किया, फिर तीसरे दिन मैं गेमिंग वीडियो डाला, फिर चौथे दिन मैं ACP सर के साथ वीडियो बनाया, और फिर 5वें दिन मैं शादी किया। मेरा एक वीडियो इधर जा रहा था, दूसरा इधर जा रहा था, तीसरा इधर, चौथा इधर, तो मेरी ऑडियंस भी इधर 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 जाती गई। इसकी वजह से मेरे पास ऐसे बहुत बड़ी ऑडियंस है, कुछ लोगों को ये देखने का है, वो देखने का है, कुछ लोगों को देखने का ही नहीं है। तो मैं तो ऑनेस्टली डेड नहीं बोलूंगा, मैं सच बताऊं डेड चैनल्स अलग होते हैं, किसी का भी चैनल जो ये लिस्ट है उसमें डेड नहीं है, क्योंकि आई डोंट नो मेरा है कि नहीं तो सर वक्त ही बताएगा, बट आई थिंक एज यूट्यूबर्स, नहीं रुको मैं अभी ज्ञान नहीं दूंगा, मेरे को बहुत अच्छा स्पीच तैयार किया मैंने, लेकिन वीडियो के एंड में बोलूंगा। अभी फिलहाल हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट डेड चैनल पे। हंसना हमें ना डेड चैनल पे, इसलिए हंस रहा हूँ। नेक्स्ट डेड चैनल इज बीस बॉय शुभ। तो बीस बॉय शुभ को मैं पिछले कितने सालों से देख रहा हूँ, रुको मुझे देखने दो, इसका ओल्डेस्ट वीडियो कब आया था, तो ये 7 साल से वीडियो बना रहे ये बंदा। मैंने आई थिंक जब मैंने यूट्यूब की शुरुआत की थी तभी मैं बीस बॉय शुभ को देखना चालू किया था, क्योंकि तभी बीस बॉय शुभ काइंड ऑफ अकेला इंडियन गेमर था जिसको सबसे ज्यादा व्यूज आते थे। एंड मैं इस बंदे को देखता था एंड मैं सोचता था कि ऐसे व्यूज कैसे आएंगे। तब से मुझे एक्चुअली शुभ को मिलना भी था। एक सेकंड, मेरे पास प्रूफ है क्या? तुम लोग को प्रूफ के बिना कुछ चलता नहीं है जिंदगी में। ये देखो, ये ईमेल मैंने शुभ को किया था 2019 में, मुझे याद है बीस बॉय शुभ मुंबई आया था, एंड तभी मेरे 129 के सब्सक्राइबर्स थे, एंड मुझे उसको मिलना था, तो मैंने उसको ईमेल किया था, हे शुभम, आई एम अ गेमिंग यूट्यूबर टू, आई हैव 129 के सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब, आई हैव बीन वाचिंग यू फॉर लॉन्ग, हियर इज माय चैनल लिंक, प्लीज सब्सक्राइब, आई सॉ योर इंस्टाग्राम स्टोरी एंड आई केम टू नो दैट यू
यू आर कमिंग मुंबई, आई वुड लव टू मीट यू एज आई लिव इन मुंबई, आई कैन इवन शो यू अराउंड मुंबई, डू लेट मी नो इफ यू आर कमिंग, थैंक्स मिथ पैट। ऑब्वियसली तभी उसने देखा नहीं होगा मेल, तभी हम मिले नहीं, अभी भी नहीं मिले। बट एक्चुअली शुभ एंड आई थिंक कैरी मिनाटी दो ही लोग हैं जिनसे मैं अब तक मिला नहीं हूँ यूट्यूब कम्युनिटी में, बात हुई है बट मिला नहीं हूँ। रुको, सबसे पहले ना उसका हम लोग वीडियो देखते हैं, हंसना भी तो है दूसरों पे। हंसते हैं हाँ, मरे हुए इंसान और मरे हुए यूट्यूब चैनल पे कभी हंसते नहीं है, प्लीज मुझ पे हंसो मत। पीक पर था, यस, मेरे चैनल पर बहुत ही इनसेन नंबर ऑफ व्यूज और कॉमेंट्स आते थे, लेकिन रिसेंटली या फिर मैं कहूँ पिछले दो सालों से मेरा चैनल इतना कुछ खास परफॉर्म कर नहीं रहा है। द नंबर ऑफ व्यूज, द नंबर ऑफ कमेंट्स, दोनों ही मैं मानू, मैं कभी कभी ट्राई करता हूँ, बीस बॉय शुभ का मेरे को थोड़ा थोड़ा मिमिक्री आता है। हे फेलस, बीस बॉय हियर, और शायद तुम लोगों को मालूम होगा कि आज हम माइनक्राफ्ट में क्या करने वाले। जी हाँ, गंदा किया ना, बहुत सच बताओ। गंदा किया मालूम है, गंदा किया। एडिटर प्लीज कट। पांच साल पहले जब मेरा चैनल यार शाहरुख खान कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट वीडियो क्या प्लान करनी चाहिए, मैं एडिटिंग में हमेशा बिजी रहता था, हमेशा यही चलता रहता कि जो नेक्स्ट वीडियो जाएगी वो और इनसेन नंबर्स पुल करने वाली है, और उसी में मुझे डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियोस बनाने का भी मौका मिलता था, ऐसी वीडियोस जो मैं यू नो आजकल नहीं बना रहा। तो एज आई सेड, लास्ट के दो सालों से मैं बहुत सेल्फिश रहा हूँ, मैंने अपने चैनल पे वही किया है जो मुझे ठीक लगा है, जो मुझे लगता है कि मेरा भी काइंड ऑफ सेम है, ऐसे नहीं कि मैं ट्राई कर रहा हूँ मुझे जो ठीक लगे वो करने का, बट आई जस्ट फील लाइक गेमिंग के अलावा मुझे ऐसे लगता है कि मैं बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ, तो जैसे कि सौरभ जोशी प्रैंक हो गया, एसीपी सर के साथ वीडियो हो गया, और भी वीडियोज है मेरे चैनल पे जो मैंने किए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो करने के बाद मुझे जो खुशी मिलती है वो गेमिंग के साथ ऑब्वियसली मिलती है, खुशी तो होती है गेमिंग के साथ भी, बट लाइक उसमें एक अलग खुशी होती है, डबल खुशी। तो मैं दोनों करना चाहता हूँ, गेमिंग भी करना चाहता हूँ, ये भी करना चाहता हूँ, लेकिन एक चैनल पे किया तो फिर वो डेड हो जाता है, तो इसलिए अभी 10 चैनल खोल के रखे भाई ने। माय चैनल इज डेड। नहीं यार, मेरे चैनल पे तब शुरू हुई जब मैंने ये पोस्ट किया, इस पोस्ट के बाद कई सारी थ्योरीज बनने लगी, सबने अपना दिमाग लगाना चालू करा कि ऐसा क्यों हो रहा है। एल्डन रिंग जिसकी वजह से चैनल की रीच कम हुई थी उस पर भी 3-4 लाख व्यूज आना, I mean, ऐसे तो होता रहता है हर यूट्यूबर के साथ, वो एक चीज होती है कि उसको भी ऐसा होता है कि कुछ तो करने का है मन से दिल से, एंड ऑडियंस को कुछ तो अलग देखना होता है, तो वो दोनों कैसा होता है, मतलब एक साइड से गोकू कामयामया करता है, दूसरे साइड से फ्रीजा अपना अटैक करता है, तो दोनों के बीच में से उड़के वो बड़ा ब्लास्ट होता है ना, वैसे हो जाता है। एग्जाम्पल दिया मैंने, मेरे साथ भी ये इशू सेम मैंने फेस किया है कि मुझे ऑब्वियसली मेरे को माइनक्राफ्ट पसंद है, लेकिन जब मैं माइनक्राफ्ट डालता हूँ तभी मैं दूसरा कुछ नहीं कर पाता, एंड जब भी मैं दूसरा कुछ नहीं कर पाता तो मेरे को खुशी नहीं मिलती, तो खुशी नहीं मिलती तभी मैं माइनक्राफ्ट डालता हूँ तो माइनक्राफ्ट पे व्यूज कम आएंगे, एंड देन मेरी खुशी और डाउन हो जाएगी, माइनस खुशी। सो आई फील लाइक आई थिंक डेड यूट्यूब चैनल्स करके कुछ होता नहीं, मैं एक्चुअली जो भी ज्ञान देना है वो एंड में दूंगा, अभी नहीं दूंगा, वो मजा आएगा एंड में, वीडियो पूरा देखने के बाद जब आपको मैं ज्ञान दूंगा ना, ये मोमेंट के लिए मैं पिछले 2 साल से रुका था कि मेरे को बस ज्ञान देने का है। सो दिस इज इट, इट्स टाइम फॉर मिशन रिवाइवल। मिशन रिवाइवल, या क्या कर रहा हूँ मैं, मिशन रिवाइवल, यश बिस बॉय शुभ, हम रिवाइव करेंगे, तू मेरा चैनल रिवाइव कर, मैं तेरा करता हूँ, एक साथ कोलैब करते हैं, मजा आ जाएगा, संस्था खोलते हैं हम लोग। एक और चीज मैंने देखा बिस बॉय शुभ से रिलेटेड, बहुत बार लोग बोलते रहते हैं ही इज द बैकबोन ऑफ इंडियन गेमिंग कम्युनिटी, ऐसे लोग उसको बोलते हैं, आई थिंक बैकबोन ऑफ इंडियन गेमिंग कम्युनिटी टूट नहीं सकता, सो तू टेंशन मत ले शुभ, आई एम देयर विद यू, आई होप यू आर विद मी। तो रुको, मैंने ना एक और बीच में वीडियो देखा था, चपाती भाई ने भी वीडियो बनाया था, यू गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम टू माय चैनल, और आज मैं बहुत टाइम के बाद बना रहा हूँ एक लेट्स टॉक वाली वीडियो, yes. like, और मैं नई नई गेम्स भी ट्राई करता हूँ, और बहुत से लोगों ने देखी 200K व्यूज, बहुत बंदे हैं यार 200K, a lot of views. So yeah, मैं चीजें ट्राई कर रहा हूँ, नई नई गेम्स ट्राई कर रहा हूँ। आई थिंक चपाती ने भी इसी चीज के बारे में बात की कि डेड चैनल के बारे में, आई डोंट थिंक, चपाती भाई पहले तो डेड है चैनल, एंड अगर डेड होगा तो चपाती ने तो रोटी, रोटी ने तो राइस खा लेंगे हम लोग, आप टेंशन मत लो, हम जीरा राइस से भी काम चला लेंगे, आप टेंशन मत लो। 7000 कमेंट्स है यार, क्या बात कर रहे हो, सबकी ऑडियंस बहुत स्वीट है यार, मेरे को टेंशन आया अभी इस वीडियो पे कितना कमेंट्स आने वाले मेरे वीडियो पे, उससे समझेगा कि डेड है कि नहीं। अरे एक्चुअल डेड चैनल देखना है तुम लोग को, उर्मिला चैनल इज डेड, समझा क्या, एक्चुअली डेड नहीं है, 9 घंटे में 3 लाख व्यूज आया, अच्छा है, स्लेपर्न का फोटो भी यूज किया थंबनेल में, व्यूज लेने का धंधा मालूम है अपने को, फुल मालूम है, लेकिन ये वाला भी अच्छा चला है, लेस कुकुम्बर फ्लेवर 6 लाख व्यूज, वी मेट एसआर के, तो भाई थंबनेल
थंबनेल देखो यार, थंबनेल देखो, कौन क्लिक नहीं करेगा इस थंबनेल पे। हाँ मतलब शाहरुख का ठीक है, मेरा थोबड़ा देख के लोग क्लिक ही करते हैं। एक बटरफ्लाई आ गया मेरे रूम में, बाजू 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 बाजू, मेरे को पसंद नहीं। उर्मिला का चैनल मतलब पहले से कम व्यूज है उर्मिला के चैनल पे, बट दैट्स फाइन, ऐसा नहीं कि मुझे बुरा लग रहा है उस चीज का। लेकिन द मोस्ट पॉपुलर वीडियो ऑन उर्मिला चैनल इज 7.5 मिलियन व्यूज, 2 साल हो गए उस चीज को। भाई मजा आता था, ये शादी के पहले का था व्यूज, शादी के बाद तो देख रहे हो तुम लोग 8 लग गए चैनल। शादी नहीं कर, नहीं शादी करना चाहिए, अच्छी रिफन होता है शादी करना। नहीं सब लोग मत करो, तुम लोग अगर बच्चे हो प्लीज मत करो, 25 के बाद ही करने का जो भी करने का है। बट हाँ मैं उर्मिला के बारे में ज्यादा बोलूंगा नहीं, क्योंकि वो बाद में मेरे को फिर चप्पल से मारती है। अगला चैनल इज होमीज। होमीज एक ऐसा चैनल है जो मैंने स्ले पॉइंट ने उज्जवल ने चालू किया है, एंड उसमें अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं फॉर श्योर। बट अभी मतलब वीडियो अपलोड हम लोग बहुत कम कर रहे हैं, लाइक 1 महीना। यार जो भी चैनल जिसके साथ मैं एसोसिएटेड होता हूँ उनकी वाट क्यों लगती है। जिस थंबनेल में अभ्युदय का थोड़ा सबसे बड़ा है उसका सबसे ज्यादा व्यूज भी है। अभ्युदय का वट तो है, सब लड़कियां पागल होती है अभ्युदय के लिए। अगर आप एक लड़की हो और आपको अभ्युदय क्यूट लगता है एक कमेंट छोड़ दो। मेरे को टेंशन है अभी इस वीडियो में कितना कमेंट्स आने वाले हैं। ओके चलो मेरे लिस्ट का नेक्स्ट डेड चैनल इज मिस्टर बीस्ट। क्या ये क्या व्यूज है मुझे सच बताओ। बंदे का 189 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, कितने 189 मिलियन सब्सक्राइबर्स, और व्यूज देखो यार 131 मिलियन। किधर गए तेरे बाकी के 40-50 सब्सक्राइबर्स, नहीं नहीं किधर गए तेरे बाकी के 40-50 मिलियन सब्सक्राइबर्स। 116 मिलियन व्यूज, 1 महीने पहले तूने वीडियो डाला, 116 मिलियन व्यूज पे अटक गया तेरा वीडियो। शी यार, तेरे को मिनिमम 1 बिलियन व्यूज आना चाहिए, कम ऑन। तेरा हर वीडियो 100 मिलियन के ऊपर है, अभी इसको क्या हो गया, 95 मिलियन व्यूज पे अटक गया तेरा चैनल, डेड है मिस्टर बीस्ट। छोड़ दे, आई लव यू मिस्टर बीस्ट, आई एक्चुअली लव यू। आई नो आपको हिंदी नहीं आता, इसलिए आई विल टॉक टू यू इन इंग्लिश। इफ आई नो यू आर नॉट वॉचिंग दिस वीडियो, बट जस्ट इन केस यू आर वॉचिंग, प्लीज डोंट अनफॉलो मी ऑन ट्विटर, बिकॉज दैट इज द बिगेस्ट फ्लेक्स फॉर मी इन फ्रंट ऑफ माई फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड YouTube family. So please, please don't unfollow me on Twitter. I absolutely love you. You are the best YouTuber on this planet and I will give you one chummi. यार मिस्टर बीस्ट के साथ एक दिन कोलैब करूंगा मैं जाऊंगा उसको मिलने। अभी तक गट्स नहीं आए मेरे अंदर उसको मैसेज करने के, लेकिन करूंगा। क्या करूं मैं मिस्टर बीस्ट के साथ चैलेंज, तुम ही बताओ यार। फिर तो क्या, वो तो खुशी हो गया ना मेरे साथ कोलैब करने को, उसको क्या, उसको व्यूज आएंगे ज्यादा। ओके यार नेक्स्ट डेड चैनल इज प्यूडीपाई। ये बंदे के 111 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, 111 मिलियन सब्सक्राइबर्स पे व्यूज देखो। 1.5, 3.6, 1.1 मिलियन, 2.6 मिलियन। यार प्यूडीपाई तुझसे ज्यादा व्यूज तो मुझे आता है। गाइस मैं पहले ही बोल रहा हूं, मजाक कर रहा हूं, प्यूडीपाई सबसे बड़ा महान यूट्यूबर है। मैं हंस रहा हूं क्योंकि जिन लोगों को सार्केज्म नहीं समझता, प्लीज थोड़ा सा अपने बॉडी में अक्कल इंस्टॉल करो। किधर से डाउनलोड कर सकते हो अक्कल मुझे मालूम नहीं, लेकिन देख लो गूगल पे मिल रहा है क्या अक्कल। ऑफकोर्स प्यूडीपाई सबसे बड़ा यूट्यूबर है। आई नो बहुत सारे लोग उसके चैनल के बारे में बोलते रहते हैं डेड है डेड है डेड है। तुम लोग के कितने सब्सक्राइबर्स है, हा? जो डेड बोलते हैं तुम लोग के कितने सब्सक्राइबर्स है। ऑफकोर्स यार इस बंदे को बहुत टाइम हो गया यूट्यूब पे, 13 साल हो गए, कम ऑन। 13 साल के बाद अभी वो पापा बन गया है, ऑब्वियसली वो अपने बच्चे को टाइम देगा। मैं भी पहले ही बोल रहा हूँ 4-5-6-7 साल के बाद कैसे बोलूं मालूम नहीं, थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है बोलने को, बट अगर मेरा बीबी होगा तो मैं भी थोड़ा कम अपलोड करूंगा यूट्यूब पे, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, वही बोल रहा हूँ। व्यूज आज होते हैं कल नहीं है, परसों है 1300 नहीं है, ऐसा वाला सीन होता है। प्यूडीपाई चाहेगा ना तो भाई सबकी वाट लगा सकता है यूट्यूब पे, लेकिन वो चाहता नहीं है। द नेक्स्ट इज प्यूडीपाई से याद आया साइमन सेज, मेरा कजिन। मेरे कजिन का भी चैनल डेड है यार, मैं जिसके साथ भी एसोसिएट होता हूँ उसका चैनल डेड हो जाता है। साइमन क्या मालूम है, साइमन सबसे बड़ा आलसी इंसान है, उसका सबसे पॉपुलर वीडियो प्यूडीपाई के साथ है। ओके साइमन 1 लाख सब्सक्राइबर्स 2 लाख सब्सक्राइबर्स पे बंदे ने प्यूडीपाई के साथ कोलैब किया है, प्यूडीपाई, वो भी जब वो टी सीरीज वाला चीज चल रहा था तभी कोलैब किया है। साइमन मैं मजाक कर रहा हूं बाय द वे, प्लीज मेरे पप्पा को आके कंप्लेन मत कर, तू मेरे को रोस्ट करता है मैं भी तेरे को रोस्ट करेगा। साइमन आजकल बहुत कम वीडियोस डालता है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, भाई ये तो होमीज से भी ज्यादा इनकंसिस्टेंट है रे। 3 महीने से पहले डायरेक्ट 8 महीने पहले इसने वीडियो डाला, तेरे को डर नहीं लगता क्या साइमन, टेंशन नहीं आता चैनल का तेरे को, इस साल उसने बस 8 वीडियोस डाले। कोई बात नहीं, साइमन का चैनल आई डोंट थिंक डेड है ऑनेस्टली, वो बस मेरा कजिन है इसलिए मैं उस पर हंस सकता हूँ। बट हाँ आई डोंट थिंक किसी भी यूट्यूबर का चैनल डेड है, मतलब है ऑफकोर्स देर आर यूट्यूबर्स जिनके चैनल पूरी तरह से वाट लग चुकी है, व्यूज आता ही नहीं अभी, बट मैं पर्सनली किसी को जानता नहीं हूँ। नेक्स्ट चैनल इज नियॉन मैन, अभी मैं नियॉन मैन पे हंसने वाला हूँ। नियॉन मैन यूट्यूब इंडिया का सबसे बड़ा न्यूज चैनल, न्यूज बॉय के बाद। जब बिग बॉस चालू था बंदे को क्या व्यूज आते थे, ये देखो बिग बॉस के वक्त भाई 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 पैसा बहुत छापा है तूने नियॉन मैन बिग बॉस के वक्त, सच बता। 1 मिलियन 1 मिलियन 1 मिलियन 1.4 1.3 1.4, एंड अभी उसका चैनल डेड हो चुका है क्योंकि देखो व्यूज क्या है, ये 5 लाख व्यूज होते हैं। ये न्यूज बॉय का कैसे चल रहा है वो देखने तो मुझे, और इसको भी अच्छे व्यूज आ रहे हैं, मैं भी चालू कर दूं क्या खुद का न्यूज चैनल, एक साइड इनकम हो जाएगी। न्यूज चैनल का कैसे होता है मालूम है, लाइफ टाइम व्यूज आएंगे, ये डेड हो ही नहीं सकते क्योंकि हर हफ्ते कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है, वो बस टाइटल में डालने का है। फुकरा इंसान सेड दिस, बिग बॉस विनर लीक्ड,
बैड न्यूज रिलेटेड टू फुकरा इंसान, विराट कोहली मीट्स एल्विश यादव, फुकरा इंसान वर्सेस एल्विश यादव, मिथपैट रोस्टेड बीस्ट बॉय शुभ, नहीं मिथपैट का नाम यूज मत कर, व्यूज नहीं आएगा बट सो आई थिंक मैंने मेरा पूरा लिस्ट कंप्लीट कर दिया है डेड चैनल्स का, तो अभी लेट्स कम टू द ज्ञान पार्ट। मुझे ऐसे ऑनेस्टली लगता है कि यूट्यूब चैनल्स डेड कुछ सेंस नहीं बनता। मैं एक चीज के बारे में बहुत सोचता हूँ कि आई थिंक देखो यूट्यूबर्स का काम होता है वीडियोस बनाना, एंड ऑब्वियसली व्यूअर्स तो 10 15 20 100 यूट्यूबर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उनको जो पसंद आएगा वो कॉन्टेंट देखेंगे। बट एज अ यूट्यूबर मुझे ऐसे लगता है कि सब लोग ना बहुत मेहनत कर रहे हैं टू मेक अच्छे अच्छे वीडियोस, एंड उसमें क्या होता है ना ऑडियंस ना बहुत फास्ट चली जाती है। मतलब मैं पर्सनली भी लाइक जब मैं यूट्यूब चैनल्स को देखता हूँ, मैं किसी को तो देखूंगा मैं एक महीने के लिए देखूंगा, दो महीने के लिए देखूंगा, उसके बाद मैं उसको देखना बस मतलब इन जनरल बंद कर देता हूँ। मैं कुछ तो बिजी हो जाता हूँ या फिर मुझे कोई तो दूसरा टाइप का कॉन्टेंट देखना पसंद आ जाता है एंड मैं फिर नहीं देखता। बट एज अ यूट्यूबर मुझे ऐसा लगता है कि वो चैनल ग्रो करने में बहुत मेहनत लगती है, तो जितना फास्ट ऑडियंस मूव ऑन होता है कि इधर इस चैनल से उस चैनल पे जंप मारता है, उधर से इधर जंप मारता है, तो आई डोंट थिंक एक यूट्यूबर उतना फास्ट खुद को चेंज कर सकता है, क्योंकि मैं खुद को कैसे इतने फास्ट चेंज करूं। लाइक बहुत बार मैं देखता रहता हूं कि लोग कमेंट करते हैं ओल्ड मिथपैट ओल्ड बीस्ट बॉय, बट लाइक लोगों का ये बहुत ओल्ड वाला चीज बहुत होता है। एक दिन मैं बता रहा हूं हम सब ओल्ड होने वाले और मरने वाले हैं, तो प्लीज वो ओल्ड वाला चीज पहले तो कमेंट मत करो। दूसरी चीज क्या ही होता है ओल्ड, मतलब लाइक फॉर मी, ओके मैं पर्सनल मैं खुद के बारे में बात कर सकता हूं कि ओल्ड मिथपैट, ओके जिसने चैनल की शुरुआत की थी, मैं बता दूं तुम लोग को वो क्या था, ये ओल्ड मिथपैट था। अरे यार इतनी मेहनत ली फिर भी मेरे सिर्फ 10 सब्सक्राइबर है यार, डोरेमोन। मैं कर सकता हूँ अभी ऐसी बात, शादी हो गई है मेरी, 25-26 साल का होने वाला हूँ अभी अगले 3-4 महीने में, डोरेमोन। मतलब मैं अभी भी करता हूँ ऐसे वीडियोस में, आई नो, बट वो थोड़े अलग वीडियोस होते हैं, बट लाइक ऐसे सेम चीज तो मैं नहीं कर सकता ना। लाइक फॉर एग्जाम्पल तभी मैं एक्चुअली मतलब कितना 21 साल का था तभी, ये देखो आवाज कहाँ से आ रही है यार, दिवाली के पटाखे, ऐसे नहीं कर सकता मैं अभी, मतलब वो नेचुरली आता नहीं है मेरे अंदर से। एज ए इंसान तो मैं ग्रो होगा ना, थोड़ी ना 25 साल की उम्र में डोरेमोन देखूंगा, देखता हूँ मैं अभी भी, बट हाँ माई पॉइंट इज कि ओल्ड मिथपैट ओल्ड बीस्ट बॉय शुभ सब ओल्ड होके मर गए, अभी जो है वो नए है, एंड आई नो तुम लोग को नए देखने हैं नहीं देखने हो, तुम लोग का चॉइस है। इसमें तो मैं बताऊ, मैं भी बताऊ एक चीज, मेरे लिए ये सबसे क्रेजी वीडियो था, कैन एसीपी सर सॉल्व दिस मिस्ट्री। ये वीडियो के कमेंट्स में भी आपको 4 कमेंट्स मिलेंगे, बोरिंग एज हेल, बोर हो गया, नाउ यू आर बोरिंग। अभी मैं ओल्ड मिथपैट डालूंगा, ये देखो, वो मिस ओल्ड मिथपैट माइनक्राफ्ट वीडियोस, आई एम मिसिंग ओल्ड मिथपैट, वेयर इज ओल्ड मिथपैट, वी वांट ओल्ड मिथपैट। मर गया वो मर गया, कुछ भी नहीं बचा उसका, उसका खून हो गया है, मालूम है किसने किया उसका खून, मालूम है किसने किया खून। माई पॉइंट इज ओल्ड वर्ल्ड कुछ होता नहीं है, अगर मुझे ओल्ड मिथपैट को लाना है बस टाइम मशीन ही एक ऑप्शन है, और टाइम मशीन अब तक इन्वेंट नहीं हुई है। ऑब्वियसली ऐसे होगा कि तुम लोग को नए चीजें पसंद आएंगी, नई चीजें मेबी नहीं पसंद आएंगी। जब मैंने 5 साल पहले चालू किया था यूट्यूब, तभी मुझे एक ही चीज मालूम था कि मुझे बस अच्छे वीडियोस बनाने हैं, और आज भी मुझे एक ही चीज मालूम है कि मुझे बस अच्छे वीडियोस बनाने हैं, उसके अलावा अभी वो ओल्ड एंड न्यू वाला चीज मुझे नहीं मालूम यार। बनियान और चड्डी ओल्ड होता है, इंसान हूँ यार, और बाकी यूट्यूबर्स भी इंसान है। आई थिंक मेरा ज्ञान अच्छा है जो मैं दे रहा हूँ। एंड में मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि खाओ पियो ऐश करो जिंदगी जियो, स्ट्रेस मत लियो, एंड ऑल्सो आज मैं बहुत सारे डेड चैनल्स पे हंसने की एक्टिंग कर रहा था, अगर तुम लोग को समझा नहीं होगा सार्केजम, तुमको सार्केजम का हिंदी ये भी बोलता हूँ, अगर जिसको वो नहीं मालूम तो फिर भी मेरे को गाली देंगे। सार्केजम कटाक्ष, ये नया शब्द है, मैं भी आज पढ़ रहा हूँ पहली बार, कटाक्ष। अगर तुम लोग को कटाक्ष समझा नहीं होगा तो मैं सब यूट्यूबर्स से प्यार करता हूँ, एंड मैं बस उनपे हंसने की एक्टिंग कर रहा हूँ, प्लीज मुझे गाली मत दो, एंड प्लीज अपने फेवरेट यूट्यूबर्स को जाके सपोर्ट करो। ओके मैं सच बता रहा हूँ, अपने पास एक चांस है यूट्यूब को सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाने का, जैसे 50-100 साल पहले लोगों ने बॉलीवुड को इतना बड़ा बना दिया, 100 साल नहीं भैया 50 साल पहले, शायद 100 तो बहुत पुराना, डायनासोर के जमाने में चले गए, 50 साल पहले जैसे लोगों ने बॉलीवुड को क्रेजी बना दिया, हमारे पापा लोगों ने अंकल लोगों ने, वैसे हम लोग ये जनरेशन है जो यूट्यूब को ऐसा ये बना सकते हैं, एंड इस जनरेशन में से एक शाहरुख खान निकलेगा, और वो शाहरुख खान मैं तो मालूम नहीं बट क्या बोल रहा हूँ यार मैं, नहीं मेरे को सलमान खान चलेगा, मैं सलमान खान मिल मेरे को कई बार, मजाक बाजू में, बट प्लीज सबको सपोर्ट करो। मैं बीस्ट बॉय शुभ को रोते हुए नहीं देख सकता, मैंने एक बार देखा ऑलरेडी, अभी देखो आंसू टपकेगा, अभी देखो ये देखो देखो निकल रहा है क्यों यार देखा, देखते हैं आपको वापस बीस बॉय शुभ को रोते हुए, हाँ देखते हैं वापस मिथपैट को रोते हुए, ये देखो क्या मस्त, ये एक्चुअली मैं रो रहा था, मैंने डिसाइड किया कि क्या तुम चाहते हो तुम्हारा फेवरेट यूट्यूबर रोए, ट्रिगर्ड इंसान कभी रोया है क्या, हाँ रोया है
नहीं ये तो नहीं है, ये रो रहे हैं अंदर ही अंदर रो रहे हैं। नहीं नहीं यार, एक सेकंड निश्चय कभी रोया क्यों नहीं है? कम ऑन निश्चय, एक बार तो रोना होता है यूट्यूबर को, हर यूट्यूबर को रोना होता है एक बार। क्राइंग इन लाइव स्ट्रीम, ये रोया रोया है। कांग्रेस सर। नहीं यार निश्चय एक भी बार नहीं रोया है। निश्चय प्लीज एक बार रो ले, दिखा दे लोगों को तू कैसे रोता है, क्या तेरा भी आंसू ट्रांसपेरेंट है। बट हाँ आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक कर दो, ये जो चैनल है गरीब है चैनल, सब्सक्राइब कर दो इस चैनल पे। अभी मैं निकलता हूँ और मैं मिलता हूँ तुम लोग से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।